रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में तुमको महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है। पहाड़ों की गोद में बसा शहर चिरमिरी हर तरफ सुंदरता का अजीब ही आलम है। एक तरफ जंगल है तो एक तरफ पहाड़, और इसी सुंदर शहर में मेरी ड्यूटी लगी थी कोलेरी माइंस में। यहाँ पर बहुत सारे कोयले की खदानें हैं जिन पर हर समय काम चलता रहता है। मेरा काम था उनके बारे में सर्वे करना। शहर में पहुंचकर और यहाँ की सुंदरता देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ था। वैसे भी शहर के कोलाहल भीड़ भाड़ के बीच रहते रहते हम सभी की सांसें फूल जाती हैं। ऐसे में पहाड़ की ठंडी स्निग्ध हवा, जंगल के पास के मनोरम कोलाहल, ये सब किसके मन को नहीं भाता है। अगले एक दो साल तो मुझे यहाँ ड्यूटी करनी ही थी, अतः लाइफ सेट थी। गोपाल मेरा घर का केयरटेकर कम बावर्ची कम हर तरह के काम करने वाला था। गोपाल पास ही रहता था इसलिए दिन भर मेरे घर की देखभाल करता, रात को मुझे खाना खिलाकर घर चले जाता था। सब कुछ ठीक ही था। प्रॉब्लम कह सकते हैं, मैं जिस एरिया से होकर रोज ऑफिस जाता था उस क्षेत्र में था रेड क्रॉस का हॉस्पिटल। एक समय अंग्रेजों द्वारा बनाया गया यह हॉस्पिटल, हालांकि आजकल कम ही उपयोग में आता था, इस वजह से धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था को चला जा रहा है। कभी अपनी सुंदरता की उच्चतम सीमा में रहा यह हॉस्पिटल, जिसकी दीवारें हमेशा लाल रंग से पुती रहती थी, अब काई और गंदगी जम के धीरे धीरे कत्थाई रंग हो गई है। हॉस्पिटल के ठीक रोड के उस पार हॉस्पिटल का चीर घर था। वैसे आजकल चीर घर सभी हॉस्पिटलों में तहखाने वगैरह में बनाए जाते हैं, मगर ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ हॉस्पिटल था। उस समय उन्होंने इसे रोड के उस पार बनाया था। यहाँ पर पहाड़ी थोड़ी सी ऊंची हो जाती है। चीर घर के ठीक पीछे से शुरू होता था जंगल का इलाका। एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ के इस ऊंचे टीले पर सर ऊंचा किए खड़ा था वो चीर घर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय बहुत से सैनिकों की लाशें यहाँ पर लाई गई थी, उसके बाद स्वतंत्रता का काल और फिर आज तक का समय। न जाने कितनी ही अलग अलग लाशों को इस चीर घर से गुजारा गया है। ऑफिस से लौटते समय न जाने मेरा सर क्यों इस चीर घर की तरफ घूम जाता था। जिस कैब से मुझे घर छोड़ा जाता था उसकी पिछली सीट पर बैठे हुए मैं आसपास के सुंदर वातावरण का आनंद ले रहा होता था, मगर यहां पहुंच के अचानक मेरा सर इधर घूम जाता था। वैसे चीर घर के बाहरी हिस्से में काफी तेज रोशनी थी और उस रोशनी में मैंने अक्सर बैठे देखा था एक वृद्ध चौकीदार को। हाँ, आश्चर्य की बात है, मुर्दाघर में रात की ड्यूटी वो अकेले ही करता था। वैसे इस मुर्दाघर के बारे में शहर में भी काफी बातें प्रचलित थी। कहते हैं रात को कई बार यहाँ के आसपास के लोगों ने वहां से आती अजीब अजीब आवाजों को सुना है। लोग इसे अच्छा नहीं मानते थे, मगर ऐसे में उस चौकीदार का अकेले ड्यूटी करना। उस दिन रात का खाना खाते हुए मैंने गोपाल से पूछा, वो बोला, वो तो विष्णु काका है। है ना सर, अजीब बात, दिन के समय मुर्दा घर में दो लोग चौकीदारी करते हैं मगर रात को वो अकेले ही रहते हैं, उन्हें डर नहीं लगता? विष्णु काका के वहाँ के रात के चौकीदार बनने की बात भी बड़ी अजीब है। असली में बेचारे बहुत दुखी आत्मा है, बेटी का जन्म होने के बाद ही पत्नी का देहांत हो गया था, माँ और पिता बनकर बेटी को पाला पोसा,
बेटी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। माँ बिना घर में रहते हुए कम उम्र में ही पूरी गृहिणी बन गई थी। घर के सारे काम बहुत अच्छे से देखती थी। विष्णु काका भी निश्चिंत होकर काम करते थे। मगर कहते हैं ना, भगवान की जिसे नजर लगे उसे कौन बचाए। अचानक एक दिन उस लड़की को फेफड़ों का कैंसर हो गया। विष्णु काका कहाँ ये सब बात जानते, मगर वो लड़की इतनी पक्की हो गई थी कि उसे सब कुछ का एहसास हो गया। उसे समझ में आने लगा था उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। फिर एक दिन उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। विष्णु काका तो बार बार यही कहते थे, तू ठीक हो जाएगी बेटी, चिंता मत कर, डॉक्टर साहब है ना, सब देख लेंगे। मगर वो लड़की समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं है। ऊपर से महंगी दवाइयों और गरीब पिता। एक दिन विष्णु काका विजिटिंग आवर खत्म होने पर बेटी से मिलकर मॉर्ग की तरफ जा रहे थे ड्यूटी करने। तभी अचानक लड़की उठी और हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल की खिड़की से नीचे कूद गई। गरीब पिता को भार से बचाना चाहती थी। उसकी आर्थिक दशा उसकी बीमारी की वजह से खराब हो शायद वो नहीं देख पा रही थी। बाद में पता चला जमीन पर टकराते ही उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वहीं वो मर गई थी। मगर विष्णु काका को जब ये बात पता चली तो वो तो अजीब सा ही रिएक्ट करने लगे। लाश के ऊपर झुककर सबसे कहने लगे, लाश की सांसें चल रही है, वो अभी जिंदा है। डॉक्टरों से हाथ जोड़कर प्रयास करने के लिए कहने लगे, मेरी बेटी को बचाइए, वो अभी जिंदा है, हाँ आप लोग थोड़ी कोशिश करेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा बुझाकर और फिर बेहोशी का इंजेक्शन देकर हॉस्पिटल में रखा गया। लड़की की लाश को चीर घर में ले जाकर रख दिया गया। अगले दिन पोस्टमार्टम होना था। लोगों से सुना है डॉक्टर जब पोस्टमार्टम किए तो पता चला सर की हड्डी टूटने और उसी के दिमाग में गड़ जाने की वजह से लड़की की मौत हुई थी। मगर तब फिर एक अचानक अजीब सी बात हुई। विष्णु काका दौड़ते हुए चीर घर के दरवाजे के पास पहुंच गए और जोर जोर से चीखने लगे कि उसकी बेटी की चीर फाड़ न की जाए, उसे तकलीफ हो रही है, वो चिल्ला रही है, उसका सर इस तरह से फोड़ दिया गया है, वो बहुत रो रही है। डॉक्टर्स उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करते रहे, मगर डॉक्टरों को भी एक बात नहीं समझ में आई, क्योंकि विष्णु काका तो चीर घर के बाहर थे, फिर उन्हें ये कैसे पता चला कि उनकी बेटी की सिर की हड्डियां तोड़ी गई हैं। इसके बाद विष्णु काका पागल से हो गए थे। हर समय अपनी बेटी से बात करने की बात कहते रहते थे। थोड़ा बहुत डॉक्टरों ने सहायता करके उनके इलाज भी किया। जब थोड़ा सा ठीक हुए तो हॉस्पिटल के दीन साहब ने उनकी दयनीय दशा को देखते हुए चीर घर की चौकीदारी में उन्हें दोबारा रख लिया। उस समय उनकी ड्यूटी दिन की थी, रात में दो चौकीदार ड्यूटी किया करते थे। मगर उसके बाद ही चीर घर से कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वहां पर बिजली का काम चल रहा था। ठेकेदार देखने के लिए गया तो मेन स्विच ऑफ करके गया था, मगर आश्चर्यजनक रूप से एक खुली नंगी तार पर पैर रखते उसे जोर की बिजली का झटका लगा और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। ऐसे ही अब ट्रेन से कटकर आई एक लाश को दो वार्ड बॉय चीर घर के अंदर रखने गए थे। रखकर वापस आ ही रहे थे कि एक तो बाहर आ गया मगर दूसरा गायब हो गया। पुलिस ने बहुत तलाश करने की कोशिश की मगर किसी को पता नहीं चला दूसरा वार्ड बॉय कहां गया।
लोग कहते हैं आज भी कभी कभी चीरघर के अंदर से उस वार्ड बॉय की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसे ही शाम करीब 7 बजे की बात है, एक डॉक्टर वहां पर काम कर रहे थे, अचानक ही उनके नाक मुंह से खून निकलने लगा और वहीं उनकी मौत हो गई। सब लोग इस बात से बहुत भयभीत हो गए थे। तभी विष्णु काका ने टीम से रिक्वेस्ट की कि उनकी ड्यूटी रात की लगा दी जाए, और आश्चर्यजनक तौर पर जब से उनकी रात की ड्यूटी लगी है तब से चीरघर में होने वाले सारे उत्पात जैसे बंद हो गए हैं। तभी से दिन के समय 2 चौकीदार रहते हैं और रात को विष्णु काका अकेले ही रहते हैं। मैं खाने से उठ गया था, हाथ मुंह धोते हुए मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। गोपाल की बातों को मानू या ना मानू, मगर कुछ तो है उस चीर घर में, वरना उसके सामने से गुजरते हुए मुझे ऐसा अजीब क्यों लगता है। इसके बाद भी कुछ दिनों तक मैं ऑफिस से आते हुए हमेशा विष्णु काका को उसी तरह से कुर्सी पर बैठा देखता रहता। उस दिन संडे का दिन था, शाम को कुछ खास काम नहीं था तो मन किया क्यों ना एक बार जाकर उस हिम्मती व्यक्ति से मुलाकात कराऊं। कदम खुद ब खुद हॉस्पिटल की तरफ चल पड़े। हॉस्पिटल के पास से रोड क्रॉस करता हुआ पहाड़ की उस हल्की चढ़ाई को चढ़ता हुआ मैं चीर घर के पास पहुंच गया। देखा तो विष्णु काका अपनी कुर्सी पर नहीं थे। मैं इधर उधर उन्हें ढूंढने लगा और घूमते घूमते पहुंच गया चीर घर के ठीक पिछले हिस्से में। वहां पर विष्णु काका खड़े दिखाई दिए, शायद कुछ काम से आए थे। मैं उनके पास पहुंचा तो वो बोले, अरे बाबू आप नए सुपरवाइजर आए हैं? हाँ। तो इधर कैसे? कुछ नहीं, बस आपसे मिलने का जरा मन किया तो। ओह, अच्छी बात। बहुत ही अजीब सी आवाज थी विष्णु काका की। अच्छा काका, आप रात को यहाँ ड्यूटी करते हैं, आपको डर नहीं लगता? डरने की क्या बात है बाबू, असली में जानते हो बात क्या है, जैसे हम लोग की दुनिया है ना, उन लोग की भी दुनिया है। वो लोग भी उस दुनिया के पार से हम लोगों को देखते हैं, मगर वो हमसे थोड़ा ज्यादा साफ देख पाते हैं। हमारी और उनकी दुनिया के बीच एक पर्दा है, हम उस पर्दे के आर पार नहीं देख पाते, मगर वो देख पाते हैं। वो हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारी दुनिया में आना चाहते हैं, मगर कोई उस पर्दे को पार कर नहीं आ सकता। अचानक मेरा ध्यान मॉर्ग के पीछे तरफ की शटर की ओर गया। मैं जब यहां आकर खड़ा हुआ था तब तो ये पूरी तरह से बंद था। लगता है कोई शटर खोलकर इधर से गया है, और काका की बातों में मैंने उधर ध्यान ही नहीं दिया। काका फिर मॉर्ग की तरफ चलने लगे, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। बात क्या है जानते हो बाबू, अगर कहीं से इनको मौका मिल जाए तो ये लोग हमारी दुनिया में आने की कोशिश करते हैं, अपने अपने दुख दर्द तकलीफ की बातें हमें सुनाने के लिए, या फिर कोशिश करते हैं हमें अपनी दुनिया में खींच लेने की। और अगर कोई एक बार उनकी दुनिया में चला जाए तो वापस नहीं आ सकता जब तक उनकी मर्जी ना हो। मैं चलते चलते शटर के काफी करीब आ गया था। अंदर तेज रोशनी थी, लोग आ जा रहे थे। लगता है आज मॉर्ग में ज्यादा ही लाशें आई हैं, इसलिए लोगों की भीड़ है। अनजाने में काका से बातें करते करते कब मैं उस शटर को पार करके मॉर्ग के अंदर आ गया।
पता ही नहीं चला। अब हम दोनों वहां पर खड़े थे जहां पर चारों ओर डीप फ्रीजर थे और उन फ्रीजरों में थी बहुत सारी लाशें। अचानक काका मेरी तरफ मुड़कर बोले, ये मुर्दा घर, यहां पर वो पर्दा थोड़ा कमजोर है, इसलिए वो लोग हमें अपने पास आसानी से बुला सकते हैं। जैसे इस वक्त तुम आ गए हो। सुनकर मैं चौंक उठा, ये क्या कह रहे हैं काका? और पीछे मुड़कर जो मैंने दृश्य देखा वो मुझे कपा देने के लिए काफी था। शटर बंद हो चुका था। हाँ, और मॉर्ग के अंदर की रोशनी भी काफी मध्यम थी, मगर अभी तो मैं चारों ओर तेज रोशनी देख रहा था। और ये क्या हो गया? खोलो खोलो खोलो! मैंने शटर पर जोर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। जो लोग शटर खोलकर बाहर गए थे शायद अभी पीछे की तरफ हो और मेरी आवाज सुनकर, मगर मेरा प्रयास निष्फल था। चारों तरफ से लाशों की सड़ी हुई बदबू और केमिकल की बदबू थी वहां। पीछे मुड़कर देखा तो काका भी वहां नहीं थे। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहां अंदर कैसे आ गया? कैसे बंदी हो गया? तभी अचानक मैंने अपने मस्तिष्क को शांत किया। अगर मैं पीछे से अंदर आया हूं तो फिर सामने से बाहर जाने का रास्ता भी होगा। लगता है काका वहीं चले गए हैं अपनी कुर्सी की तरफ। मैं रास्ता खोजूंगा। और फिर मैं धीरे धीरे चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे ये पता नहीं था मुझे किधर जाना है, मगर फिर भी किसी तरह से आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर ये कॉरिडोर कहीं तो जाता होगा। तभी अचानक मैं एक कमरे के सामने पहुंचा। अंदर एक लाश पड़ी थी और एक डॉक्टर उसकी चीड़ फाड़ कर रहे थे। मैं जल्दी से कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मैं यहाँ अंदर आ गया हूँ। मुझे बाहर जाना है। प्लीज मुझे बाहर जाने का रास्ता बताइए। एक कॉरिडोर बाहर जाता है क्या? डॉक्टर जैसे बहरा था, अपने काम में मगन था। मेरी बातें जैसे उसके कान में पड़ी नहीं रही थी। और तभी मेरी नजर पड़ी उस लाश की तरफ जिसकी वो चीरफाड़ कर रहा था। लाश के गर्दन से लेके सीने तक का हिस्सा उसने उधेड़ डाला था। लाश एक महिला की थी जिसकी आंखें खुली थी और एक टक मुझे ही नहीं आ रही थी। इतना भयानक दृश्य क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। अचानक जैसे डॉक्टर के कानों में मेरी बात गई। उन्होंने अपने चेहरे पर पहना हुआ मास्क हटा दिया, जैसे मुझसे कुछ बोलना चाहते हो। और सामने का जो दृश्य मैंने देखा वो मेरे लिए और भी डरावना था। डॉक्टर के चेहरे में चमड़े की निचली हड्डी नहीं थी, वहां पर खोखला था। गले की नली तक का हिस्सा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? तभी दोबारा मेरी नजर उस महिला की तरफ गई। महिला की लाश के मुंह से खून टपक रहा था। मैं कहां गया हूं? ये लोग कौन है? मैं तुरंत ही कमरे से बाहर आ गया। अब बाहर निकलने के रास्ते की बेतहाशा तलाश करने लगा। तभी अचानक मुझे ध्यान आया, मोबाइल। गोपाल को कॉल लगाता हूँ, वो हॉस्पिटल के लोगों को लेकर आएगा मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए। मैंने तुरंत ही गोपाल को कॉल लगाया। रिंग बजी, कॉल रिसीव हुआ, मगर उधर से जो आवाज थी वो गोपाल की नहीं थी। हेलो हेलो गोपाल गोपाल
गोपाल, गोपाल तक तुम्हारा कॉल कैसे जाएगा बाबू? गोपाल तो पर्दे के उस पार रह गया है। तुम पर्दे के इस पार आ गए हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या ये सब सच है या मेरा भ्रम? मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा? तभी अचानक मेरे पीछे विष्णु काका खड़े दिखाई दिए। कैसा लग रहा है हमारी दुनिया में आकर बाबू? तभी मेरी नजर सामने की तरफ गई। उधर वेंटिलेटर था, मतलब रास्ता इधर ही जाता है। मैं तेज कदमों से उधर चल पड़ा। मेरे पीछे पीछे विष्णु काका के आने के कदमों की आहट भी मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और तभी मैंने देखा सामने कांच का दरवाजा, और दरवाजे के उस पार कुर्सी पर बैठे हुए थे विष्णु काका। असली वाले विष्णु काका, इंसानी जगत वाले विष्णु काका। मतलब एक ही समय पर दो विष्णु काका मुझे कैसे दिखाई दे रहे थे? यानी कि मेरे पीछे जो विष्णु काका है वो इस दुनिया का ही कोई प्राणी है जो उनका उनका रूप लिए हुए है। मैं चीख पड़ा, विष्णु काका! पर मेरी आवाज जैसे बेअसर थी। बार बार चीखने के बाद भी विष्णु काका के कानों में जू तक न रेंगी थी। मैं तेज कदमों से कांच के दरवाजे की तरफ चलने लगा। मगर ये क्या? मैं जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरे और कांच के दरवाजे के बीच की वो थोड़ी सी दूरी मेरे तेज कदमों के बाद भी मैं तय नहीं कर पा रहा था। मैं दौड़ने लगा, बेतहाशा दौड़ने लगा पागलों की तरह। मगर फिर भी मैं उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रहा था। ओफ, मैं क्या इनके इस भयानक से जगत में कैद होकर रह जाऊंगा? कैसे बुलाऊं मैं विष्णु काका को? एक बार मेरी आवाज बस उन तक पहुंच जाए, वो मुझे यहां से बचा कर ले जाएंगे, मगर कैसे? तभी अचानक मेरे और कांच के उस दरवाजे के बीच दिखाई दी एक 15-16 साल की लड़की। मेरे पीछे विष्णु काका के हंसने की आवाज आ रही थी। और सामने वो लड़की खड़ी थी। मैं चीख उठा, मेरी मदद करो, उन्हें आवाज लगाओ, वो मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। वो लड़की एकटक मेरी तरफ देख रही थी। देखने में अत्यंत सुंदर थी वो लड़की। फिर अचानक विष्णु काका की तरफ मुड़ी और फिर मुड़कर मुझे देखने लगी। फिर एक बार मुड़ी और आवाज लगाई, बाबा। बेहोश होने से पहले मैं सिर्फ इतना देख सका कि विष्णु काका उठकर अपनी कुर्सी छोड़कर कांच के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। होश आया तो खुद को रेड क्रॉस हॉस्पिटल के बेड पर पाया। पास ही गोपाल और ऑफिस के एक दो कर्मचारी थे और उनके ठीक पीछे खड़े थे वो असली वाले इस जगत के विष्णु काका। उनसे पता चला, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल के चीर घर के कॉरिडोर में बेहोश हालत में पाया था। उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल के कर्मचारियों को बुलाया और वहां से मेरे ऑफिस तक खबर गई। इस घटना के 5 दिन बाद जब मैंने स्वस्थ महसूस किया तो तुरंत ही वहां से अपना ट्रांसफर शहर में करा लिया। मेरे पास डर की वजह से इतना भी समय नहीं था कि अपने रक्षक विष्णु काका को एक बार धन्यवाद ही कर देता, और धन्यवाद कर देता उनकी उस बेटी का, जिसकी एक आवाज की वजह से आज मैं उनकी उस दुनिया से इस दुनिया में वापस आ सका हूं। मन में हमेशा एक टीस रह जाती थी कि
विष्णु काका का धन्यवाद नहीं कर सका, मगर किस्मत ने यह मौका मुझे दिया। करीब 5 साल बाद एक छोटा सा सर्वे था, 2 दिन का काम था। चूंकि मैं इससे पहले वहां रह चुका था, इसलिए मेरा नाम ही सजेस्ट किया गया। मैंने भी मना नहीं किया, अपितु जाने से पहले महंगी मिठाई और अच्छा सा कपड़े का सेट खरीद लिया विष्णु काका से मिलकर उन्हें देकर उनका थैंक्स करने के लिए। गाड़ी जब मेरे क्वार्टर की तरफ जा रही थी तो चीर घर के सामने से गुजरते हुए अनायास ही मेरी गर्दन एक बार फिर से उधर मुड़ गई। रात के अंधेरे में तेज रोशनी में नहाया वो चीर घर वैसे ही खड़ा था और उसके मुख्य दरवाजे पर कुर्सी पर वैसे ही बैठे थे विष्णु काका। वैसे शहर में काफी परिवर्तन हो चुका है, गोपाल में भी शादी कर ली है, एक लड़की है उसकी। उस रात जबरदस्त हंडा करी बनाया था उसकी पत्नी ने, खाकर मन तृप्त हो रहा था। खाते खाते अचानक मैंने गोपाल से पूछा, गोपाल विष्णु काका का घर जानता है? हाँ, क्यों, वहां क्या करेंगे जाकर? मैं सुनकर आश्चर्यचकित हो गया, क्यों क्या हुआ? हाँ, वहां कोई नहीं रहता है, पिछले महीने मुर्दा घर में अचानक आग लग गई थी। वहां पड़े मुर्दों को बचाने के लिए कर्मचारियों के साथ विष्णु काका ने भी काफी दौड़ धूप की थी और अचानक ही मुर्दा घर का एक हिस्सा चरमरा कर गिर गया था और उसी के नीचे दबकर विष्णु काका की मौत हो गई। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया, ये क्या कह रहा है वो? आते हुए जो मैंने देखा फिर वो? खाना रोक दिया मैंने। गोपाल बोला, क्या हुआ सर, खाना अच्छा नहीं लगा? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है पर खाने का मन नहीं है। और ये सर तू कब से कहने लगा? हाँ, आप प्रमोशन पाकर बड़े साहब हो गए हैं, अब आपको सर कहना ही उचित है। किसी तरह से रात बिताकर अगली सुबह मैं मुर्दा घर की तरफ चल पड़ा। भले ही विष्णु काका का इस दुनिया में नहीं है, मगर उनके लिए लाया हुआ वो गिफ्ट तो उन्हें देना बनता है। मुर्दा घर के पास ही से एक नदी बहती है, उस नदी में ही इसे विसर्जित कर दूंगा। शायद ये जिसके लिए लाया था नदी उस तक पहुंचा दे। यही सोचकर निकल पड़ा था मुर्दा घर की तरफ, मगर वहां पहुंचकर सामने का जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखते ही जैसे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कहां मुर्दा घर, वहां पर तो टूटी फूटी ईंटों का स्तूप लगा था, पूरा पूरा मुर्दा घर तोड़ डाला गया था। पर यह कैसे हो सकता है, कल रात में यहां से गुजरते हुए मैंने जो देखा। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर नदी की तरफ ही कुछ मजदूर काम कर रहे थे, उनमें से एक को पकड़कर मैंने पूछा, क्यों भाई ये मुर्दा घर अचानक कैसे टूट गया? अचानक बहुत समय बाद आए हैं क्या साहब? हाँ, अरे पिछले महीने यहाँ पर बिजली गिरने से आग लग गई थी, उसके बाद एक हिस्सा फंसक गया था, यहाँ के चौकीदार विष्णु काका की उसी में मौत हो गई थी। फिर सरकारी टेंडर निकला और इसे तोड़कर नया बनाने की बात हुई है, इसीलिए पूरी तरह से तोड़ डाला गया है। तोड़े हुए भी तो 10-12 दिन हो गए हैं, बस अब जल्दी ही काम शुरू होगा और नया मुर्दा घर तैयार किया जाएगा। सुनकर जैसे मेरे हाथ पांव कांप उठे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो सामने देख रहा हूं उसे सच मानूं या कल रात को यहां से गुजरते हुए जो देखा उसे सच मानूं।
और घटना की आकर्षिकता में मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ से वो पैकेट छूटकर पहाड़ की ढलान पर धीरे धीरे घिसटता हुआ नदी के पानी में जाकर समा गया।